अलीगंज स्कूल टीकाकरण केंद्र पर एक युवती को लगाए एक ही जगह दो डोज। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला टीकाकरण अधिकारी बोले अगर दो डोज लगे तब तो बड़ी लापरवाही है। बंद कमरे में जिला टीकाकरण अधिकारी ने लिए स्टाफ के बयान। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद चुराल ने कहा छोटी सी बात है। प्रस्तुत है गंजवासौदा से एलन चौबी की एक रिपोर्ट। आज मेरी छोटी बहन और मेरी पत्नी को भरीगंज वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगने के लिए ले गए थे। मैं भी साथ में गया था। आखिरी में कुल दो लोग ही बचे थे, मेरी बहन और मेरी पत्नी। जो कि हम जैसे ही अंदर पहुंचे जहां पे इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, वहां वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दो नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बैठते से ही जैसे मेरी पहले मेरी सिस्टर ने पर्ची दी, उसको जब जैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको एक लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी जिसकी भी थी, वो उसने उस बाजू की, चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने भर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कहले अरे कहले तुम उठी क्यों नहीं, उठी क्यों नहीं? जब शाम उठी क्यों, उठने कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं, उठी क्यों नहीं। भाई जब तक तुम देख नहीं रहे हो कि अपन किसको लगा रहे हैं किसको नहीं लगा रहे हैं, जब तक दूसरा पेशेंट और कोई था ही नहीं। आखिरी दो डोज हमारी मेरे परिवार को ही लगे। इतनी बड़ी लापरवाही पूर्वक उन्होंने ये कार्य किया है पूरी। अगर मेरी बहन को जान माल का अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी सारी जवाबदारी समस्त स्टाफ और शासन प्रशासन की होगी। अभी उसको थोड़ी क्या घबराहट सी महसूस हो रही थी, अभी घर पे है वो। आगे मैं SDM साहब को दे रहा हूँ, और SDM साहब के बाद मैं कलेक्टर साहब को प्रति दूंगा। नहीं होगी तो फिर मैं हाई कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाऊंगा मैं। मैं लापरवाही पूर्वक अगर ये इस तरीके से चलता रहा, जिस पे जिम्मेदारी है लोगों के स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने की, अगर वही खिलवाड़ करें वही लापरवाही करें तो ये अधिकार नहीं है। वैक्सीनेशन चल रहा था तो एक हमारी एक शिकायतकर्ता है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन को जिनकी उम्र 33 साल करीब है, उनका कहना है कि ANM के द्वारा इनको एक ही हाथ में दो इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। मतलब ऐसा बहुत प्रैक्टिकली संभव तो नहीं होता है कि ऐसी लापरवाहियों को एंट्री से लेकर रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ऑनलाइन पहले एंट्री होती है, बाकायदा पर्ची दी जाती है और बैठा के इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब इनका कहना है शिकायतकर्ता को, तो देखते हैं इस चीज़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, ANM के बयान भी लगी और शिकायतकर्ता के बारे में देते हैं। बाकी जो अर्चना अग्रवाल जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही है घर पर, कोई भी दिक्कत होगी तो उनको तुरंत देखा जाएगा। जो ऑब्जर्वेशन में अभी तक कोई तकुल है, ऐसी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है, थोड़ा बहुत रोज का इशू है, तो वो अगर बाकी में लगा हुआ है तो उनको ऑब्जर्वेशन में वो है और घर पर है, कोई भी दिक्कत होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी देखिए इस तरह से ड्यूटी रोस्टर तो सब आजकल हम लोग आपके ग्रुप में ही डालते हैं कि कौन से सेंटरों पर कौन कौन से हमारे ANM और स्टाफ पदस्थ हैं, क्योंकि सबको उस चीज़ की जानकारी है, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लापरवाही है कि नहीं है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं वो आके इसकी छानबीन करेंगे और बताएंगे सर आगे ऐसा नहीं होगा कि क्या दिक्कत है। शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा और उनको भी कोई बयान दिए जाएंगे, तो देर तक चीज़ होगी वो देखा जाएगा। बाकी लड़की हमारे ऑब्जर्वेशन में है जो है, उनको कोई ऐसा दिक्कत की बात अभी तक उनको नहीं लगी है, कुछ होगा तो देखा जाएगा। अभी आया हूँ, अभी BM साहब के बयान ले रहा हूँ मैं, इसके बाद जो ANM है वहाँ उनके बयान लेंगे, जो वेरीफायर है वेरीफायर करने के बाद ही वहाँ आता है उनके बयान लेंगे। वहाँ जो डॉक्टर की ड्यूटी रहती है जो AE5 मैनेजमेंट, मतलब कुछ भी टीकाकरण संबंधित जो भी समस्या होती है उसका वो देखते हैं मैनेजमेंट। सर उस महिला को अभी वो अभी घर पर ही हैं, उनको केयर में कुछ लिया जा रहा है या उनको कुछ दिक्कत हो रही है?
क्या रहेगा? दो डोज लगने पर बच्ची की हालत कैसी क्या रहेगी? कोई नुकसान तो नहीं होगा सर? नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दो डोज लगे हैं कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है ना, मैं इसको पता करने आया हूँ। और बीएमओ साहब ने बोला उसको हमने आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रखा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, और उनको बोल के रखा है कुछ तकलीफ हो तुरंत आके अस्पताल दिखाएं। सर लगाना सर छोटा मामला है क्या? नहीं, दो डोज लगे हैं तो छोटा मामला नहीं है, लेकिन लगे हैं कि नहीं वो कह रहे हैं कि छोटा मोटा मामला है। सर दो डोज लगना छोटा मोटा मामला है, उनकी नॉलेज में है दोनों डोज लगे हुए, उनकी सब बात हो चुकी है अधिकारियों से। हाँ, वो ये बोल रहे हैं दो डोज लगना ऐसा संभव नहीं है भाई, वेरीफाई वेरीफिकेशन एक ही बार हुआ है, वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी रजिस्टर मंगा रहा हूँ। वैक्सीनेशन हो रहा है जहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वहाँ जाके वो डबल से बैठ गई, उस सिस्टर ने उनको डबल दे दिया, उनने मना भी नहीं करा कि हमें 1 लाख रुपये। नहीं तो उन्होंने सिस्टर ने डबल डोज कैसे लगाया, उन्हें मालूम नहीं था कि इसको लग चुका है? वो तो वहाँ से उठी नहीं, जिसको डोज लगाया उसने कहा कि मैं तो वहीं कुर्सी पे ही बैठी थी और मुझे एक के बाद दूसरा डोज लगा दिया, वो उठ के थोड़ी ना गई है। बोला सिस्टर को, उसने पहले बोला नहीं तो उठ के थोड़ी ना गई, वो तो वहीं बैठी हुई थी, सिस्टर को नहीं मालूम था कि एक ही डोज लगाना चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ।